हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइव सब्सक्रिप्शन कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशन के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। अभी रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है। मैं सो गई थी, लाइक लिटरली ये जिसका भी एनर्जी है, देर इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है, रनर का एनर्जी है, जो लिटरली मुझे नींद से उठा करके ही वॉज लाइक कम्युनिकेशन इज द की। आई लाइक ओके, सुबह रिकॉर्ड करे प्लीज़। ही वॉज लाइक नहीं, मैं मैस्कुलिन को यूजली ही बोलती हूँ, बट ज़रूरी नहीं है, आप एनर्जी वाइज लेना, ठीक है, रोल स्विच कर देना, मेरे लिए आसान होता है डिलीवर करना। ही वॉज लाइक नहीं, अभी रिकॉर्ड करो। आई वॉज लाइक ठीक है, अभी रिकॉर्ड करो, करती हूँ, ठीक है। लाइक लिटरली मुझे नींद से उठा करके मुझे ये करवाया जा रहा है। ओके, मेन मैसेज जो मुझे रिसीव हुआ है वो है कम्युनिकेशन इज़ द की। लाइक यहाँ पर जो बात होगी आपके और आपके पर्सन के बीच में, वो बहुत ज़रूरी है। लाइक प्रॉब्ली बिकॉज आप सेपरेशन में हो और आप लोगों के बीच में बात हुई नहीं है, या फिर आप जिस तरीके का कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लाइक यू नो द 5D डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन वाला हाई वाइब्रेशन वाला कम्युनिकेशन, वो आपको मिला नहीं है, ठीक है ना। आपका पर्सन बहुत इमेच्योर तरीके से कम्युनिकेट करते होंगे, लाइक वेरी चाइल्डिश टाइप, ठीक है, थर्ड डायमेंशनल टाइप, एकदम मतलब क्या कहूँ, मीनिंगलेस तरीके से बात करते होंगे। बट नाउ उनका जो बात करने का तरीका होगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, ठीक है ना। तो वो कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं जो अभी मुझे चैनल करनी है, सो गई थी। और ये वीडियो पोस्ट होगा प्रॉब्ली कल सुबह 10 बजे के आसपास, मैं प्रीमियर कर दूँगी ताकि आप लोग रनिंग में से देख सको, ठीक है ना। चैनल करते हैं, लाइक लेट मी जस्ट टैप इन टू दिस एनर्जी, ऐसे रख देती हूँ तो आप लोग कार्ड्स देख पाओगे, आई पुट इट हियर, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, कम ऑन इन मैस्कुलिन, क्या मैसेज है, डिलीवर करो, टेल मी। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये कहूँगी कि आपका पर्सन इस वक्त बहुत ही कंफ्यूज्ड एग्जैक्टली स्टेट में नहीं है। इट्स मोर लाइक उन्हें पता है कि आप कौन हो, ठीक है, उन्हें क्लैरिटी मिल गई है, और वो उन्हें जानबूझ के यू नो अंधेरे में रखा गया था, ठीक है ना। इट्स लाइक वो आपको फील तो कर पाते थे, बट वो आपको पहचान नहीं पा रहे थे, प्रॉब्ली बिकॉज उनके पास ढेर सारे चॉइसेस थे, लाइक ढेर सारे। यूजुअली जब रीडर्स थर्ड पार्टी कहते हैं तो हमें लगता है कि कोई इंसान होगा, बट एक्चुअली नहीं, ये थर्ड पार्टी एनर्जी कोई एडिक्शन भी हो सकता है, उनका खुद का जो अटैचमेंट है थर्ड डायमेंशन के तरफ वो हो सकता है कि वो वर्कहोलिक हो, लाइक एनी एक्सटर्नल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी जो आपके और आपके पर्सन के बीच में आ रहा है और आप लोग को अलाइन नहीं होने दे रहा है एज अ कपल, दैट इज़ द थर्ड पार्टी एनर्जी, ठीक है ना। सो काफ़ी लंबे समय तक आपका पर्सन वो आपको पहचान नहीं पा रहे थे, बिकॉज उनके पास ढेर सारे चॉइसेस होंगे, ठीक है, उनके लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे, लाइक बहुत सारे बंदियाँ होंगी या बंदे होंगे, मैस्कुलिन है तो मैं कंसिडर करती हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ होंगी, आपका पर्सन प्ले बॉय रह चुके होंगे, ठीक है। एंड देर वॉज अ वेरी स्पेसिफिक कार्मिक डेप्थ जो उन्हें पे ऑफ करना था, जिसके ज़रिए उन्हें लेसन्स भी सीखना था, ठीक है ना, उसके बाद ही वो आपकी पहचान कर पाते, लाइक इस लेसन से गुजरना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, बिकॉज इट्स अ पास्ट लाइफ कार्मिक डेथ, ठीक है। तो प्रॉब्ली उन्होंने किसी के साथ बिजनेस में जॉइंट वेंचर किया होगा, ठीक है, और आखिरी मोमेंट में उस पर्सन ने
आपके पर्सन को स्कैम कर दिया, ठीक है ना। सो इट्स लाइक इट्स अ पास्ट लाइफ एनर्जी जिसके लिए आप आपके पर्सन को लाइक कार्मिक डेप्थ पे ऑफ करना था, और जब तक वो कार्मिक डेप्थ पे ऑफ नहीं हुआ वो आपकी तरफ आ नहीं सकते थे, इनफैक्ट वो आपकी तरफ ध्यान भी नहीं दे सकते थे। आई एम हियरिंग ये पर्सन एनर्जेटिक वाइज आपकी एनर्जी बहुत चुराते थे, लाइक बहुत, लाइक जब भी वो लो फील करते थे, या सी वो जब भी लो फील करते थे तभी वो आपकी तरफ आते थे। तो आपको प्रॉब्ली एक पॉइंट में ऐसा लगा होगा कि क्या ये सच में मेरा डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है, ये तो एनर्जी वैम्पायर की तरफ बिहेव करता है, ठीक है ना। एंड यू आर नॉट एग्जैक्टली इनकरेक्ट बिकॉज उनका बिहेवियर ही कुछ ऐसा था, वो अपना स्ट्रेंथ पाने के लिए वो ऐसे कनेक्शन से जुड़ते थे, वो रिलेशनशिप में जाते ही थे ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके, और वो किसी ऐसे पर्सन को जाकर के वो सारी पॉजिटिव एनर्जी देते थे जिन्हें उसकी ज़रूरत भी नहीं था। जैसे ना आपके पर्सन ये डिवाइन मैस्कुलिन, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी दैट आई हैव रिसीव, सो ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है, आई डोंट नो उन्हें डिवाइन कहना भी सही होगा कि नहीं, बट लेट्स जस्ट से डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है बोल जब रही हूँ, तो ये डिवाइन मैस्कुलिन बचपन में रिवर्स साइकोलॉजी का शिकार हो चुके हैं। लाइक अगर आपको पता है कि इनकी परवरिश की किसी नार्सिसिस्ट पेरेंट्स ने किया है, या किसी कोई टीचर आया है, हर लिटरली एक टीचर है, ठीक है, जिसके इन्फ्लुएंस में आपका पर्सन एडिकेट हुआ है, ठीक है, मतलब उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है आपके पर्सन के परवरिश में, ठीक है, जिन्होंने उनके ऊपर रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। रिवर्स साइकोलॉजी माने मतलब होता है कि अगर इंसान को कहा जाए कि तुम ये मत करो, वो जानबूझ के वही करेगा अनकंट्रोलेबली, और अगर उन्हें कहा जाता है कि तुम ये करो तो वो नहीं करेंगे। और शायद आपने उनके बिहेवियर में ये नोटिस किया होगा कि आप जब भी उन्हें कोई चीज़ मना करते थे, समझाते थे कि उसे नहीं, उन्हें नहीं करना है, बट समहा वो वही चीज़ करते थे, बार बार करके दोहराते थे, ये जानते हुए भी कि आपको वो पसंद नहीं, वो आपके बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते थे। आई एम हियरिंग कि वो आपके बाउंड्रीज़ को बहुत ज़्यादा टेस्ट करते थे जानबूझ के। सो इट्स लाइक उनके लाइफ में कोई ऐसी एनर्जी है जिसे आपकी एनर्जी चाहिए था, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी चाहिए था, ठीक है। सबको लग रहा होगा कि आपके पर्सन को लेकर के सब कंपटीशन लड़ रहे हैं, सारा डिमांड जो है आपके पर्सन का है। नहीं, यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन का नहीं, डिमांड एक्चुअली डिवाइन फेमिनिन का है, ये आपके अबंडेंस के पीछे थी। आई जस्ट सेट पीछे थी, तो प्रॉब्ली ये फेमिनिन एनर्जी है, कार्मिक फेमिनिन एनर्जी है। तो ये आपके पर्सन को रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कहते होंगे कि उन्हें ज़रूरत नहीं है, और आपका पर्सन आपसे आपकी एनर्जी चुरा करके इस पर्सन के पीछे अपना सारा इन्वेस्टमेंट डाल देते थे। समझ में आया? ये जो भी कार्मिक है इसके कब्ज को फुलफिल करने के लिए आपका पर्सन आपसे और दूसरों से, दूसरे रिलेशनशिप में जाकर के सबसे चुरा चुरा के एनर्जी इस कार्मिक को जाकर के देते थे। आई एम हियरिंग कि आपके पर्सन का पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ बहुत बड़ा कार्मिक डेप्थ नहीं था, इट्स जस्ट दिस वन पर्टिकुलर एक कार्मिक डेप्थ था जो उन्हें इस लाइफ में पे ऑफ करना था, बट उन्होंने ये जो एक बिहेवियर एग्जीक्यूट किया है, यू नो, मल्टीपल रिलेशनशिप में जाने का, दूसरों से एनर्जी चुरा चुरा करके इस कार्मिक को देने का, उन्होंने जो ये लंबे समय तक उन्होंने ये जो क्लियर एनर्जी एग्जीक्यूट किया है, इससे इस लाइफ में बेफालतू का बहुत सारा कार्मा बिल्टअप हो चुका है उनके लाइफ में, लाइक ये पहले से नहीं था। जिन्होंने उन्हें स्कैम किया है रिसेंटली, जिसके वजह से उनका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, वो पास्ट लाइफ एनर्जी थी जो पे ऑफ हो चुका है एंड इट्स गॉन। बट इसके अलावा इस लाइफ में आपके पर्सन ने
जो प्ले बॉय बन के या प्ले गर्ल बन के जो हज़ारों जगह मुंह मारते फिरे हैं अपने लाइफ के किसी मेन कार्मिक को खुश करने के चक्कर में, उससे बहुत सारा कार्मा बिल्ट अप हो चुका है। दिस अ वेरी लिसन, ये जो भी कार्मिक है, एक परमानेंट कार्मिक है उनके लाइफ में, ठीक है, जो उनकी परवरिश में उनका हाथ रहा है। दिस माइट बी अ टीचर, बिकॉज देखो यहाँ पर हाइफ़न निकल के आया है, राइट। तो ये एक रिलीजियस फिगर हो सकते हैं, उनका टीचर हो सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने उन्हें उनकी परवरिश की है, ठीक है, जिन्हें खुश करना आपका पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते थे। लाइक इट्स लाइक इस पर्सन के ऊपर वो कभी किसी की बात नहीं सुनते, आँख मूंद के विश्वास करना। तो इस पर्सन ने उन्हें एक फॉल्स सिचुएशन में फंसाया है। तो जिसने स्कैम किया है ये फॉल्स ट्विन फ्लेम होगा या बाइंडिंग होगी, कोई बिजनेस डील होगा, कोई फॉल्स बिलीफ सिस्टम हो सकता है टू या फिर थ्री। आई एम गेटिंग मोर ऑफ कि ये एक पार्टनरशिप है, ये एक बिजनेस पार्टनरशिप है जहाँ पर पैसा बहुत गया है। आपके पर्सन ने शायद जितना भी अपना अकाउंट में उन्होंने मेहनत करके पैसे जोड़े होंगे पाई पाई करके, उन्होंने इस बिजनेस में लगाया एंड दिस ये बिजनेस डूब गया। ये जो भी पास्ट लाइफ कार्मिक एनर्जी थी उन्होंने सब लूट के वो चले गए। और इस सिचुएशन में आपके पर्सन को डालने का काम इस पर्टिकुलर कार्मिक ने ज़बरदस्त तरीके से किया। लाइक इस पर्सन ने लिटरली आपके पर्सन को भटकाया है, पद भ्रष्ट किया है। उन्होंने कहा होगा कि ये पर्सन आपके लिए बहुत सही है, कितना हमारे रिलीजन का है एंड हमारे बिलीफ सिस्टम में आता है, कुछ कुछ यहाँ पर रिलीजियस ड्रामाबाजी यहाँ पर चला हुआ है। लाइक कि देखो ये हमारे अनहियरिंग कॉम का है, ये हमारे बिरादरी के हैं एंड ऑल दैट स्टफ। ऐसी बातें करके देवर लाइक तुम यहाँ पर ज़्यादा खुश रहोगे, इस पे विश्वास किया जा सकता है, ये हमारे जान पहचान का है। ऐसा बहुत बोल बोल के आपके पर्सन को कन्विंस किया गया एंड आपका पर्सन इस ये जो भी कार्मिक फिगर है, ये टीचर फिगर है, उन पर वैसे भी वो विश्वास करते थे। सो बट देन द एक्चुअल लाइट इज़ हियर, आप उनका स्ट्रेंथ, उनका अदर हाफ यहाँ पर, लुक एट दिस, यहाँ पर ये एनर्जी है, ठीक है, स्ट्रेंथ, लवर, द डिसीजन, ही हैड टू मेक अ चॉइस, उसके पास चॉइसेस थे, उन्होंने आपको नहीं चुना, लेटिंग यू गो एंड ये हवा में सपने, ये एक फॉल्स गुरु, फॉल्स टीचर, फॉल्स गाइडेंस, जिन्होंने उसे एक फॉल्स सिचुएशन में धकेल दिया। कार्ड सब कुछ बोल देते हैं बस। ओके, सो व्हाट इज द कम्युनिकेशन जो आपका पर्सन आपको देना चाहते हैं? आपका पर्सन सबसे पहले यही बोलेंगे कि उन्होंने जो आपके साथ किया है वो ही उन्हें मिला है, स्टोले। लिसन, इट्स मोर लाइक ये जो भी उनका गुरु था, इनकी बातें सुन करके ये सबको स्कैम करते थे और इसी गुरु ने अपने मतलब के लिए आपके पर्सन को भी स्कैम करा। लेकिन जो खुदगर्ज होते हैं उनके लिए कोई भी मायने कहाँ रखता है। योर पर्सन इज फीलिंग वेरी सैड, यहाँ पर एक कार्मिक साइकिल में वो फंस गया है एंड दे आर वेरी इमोशनल। सी किंग ऑफ कप्स जो है ना,
इस पर्सन के अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, ठीक है, बट वो बोलता नहीं है, लाइक ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करता अपने ट्रू इमोशंस को, सबके सामने आने नहीं देता, बट ये कार्ड रिवर्स्ड आया है. सो इट्स लाइक उनके इमोशन हर तरफ है, वो आपको लेकर के बहुत बहुत इमोशनल हो चुके हैं. लाइक इट्स लाइक हार्ट चक्रा एक्टिवेशन के बाद जैसे होता है ना, यू नो यू लव दिस पर्सन, आप उनके पास रहना चाहते हो, बट समहाउ एनर्जीज कुछ ऐसी हो गई है कि आप चाह कर के उन तक पहुँच नहीं पा रहे हो. सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए, एंड वॉट इज़ द सर्कमस्टेंसेज, द कार्मा, क्योंकि कार्मिक साइकिल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है. दे आर फीलिंग वेरी लॉस्ट, लाइक ऐसा लग रहा है जैसे वो लूज़र है, दे हैवंट वन, ठीक है. उनका जो स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अब सबसाइड कर रहा है, बट देट दे हैवंट कम आउट येट. आपके पर्सन इस वक्त अभी भी कहीं ना कहीं शायद डिप्रेशन में होंगे. आई एम हियरिंग फूड हैबिट्स चेंज हो गए, रात को वो सो नहीं पा रहे, इसलिए मुझे भी नींद से जगा दिया. दे कांट स्लीप एट नाइट, उनका नींद पैटर्न शायद बहुत बढ़ गया होगा, बहुत ज़्यादा सो रहे होंगे या बिल्कुल भी नहीं सो रहे होंगे, ठीक है. एंड देयर इज़ अ फूड हैबिट ऑल्सो जो यहाँ पर चेंज हुआ, इट्स लाइक स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं. इट्स लाइक एक होता है ना खा लेने से, इट्स एक होता है एक्सरसाइज करके आपका मसल बढ़ रहा है, और एक होता है कि आप अनकंट्रोलेबली खाना खाते हो तो थोड़ा चबी बन जाते हो, बॉडी थोड़ा सा फुल सा जाता है. इट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस दे आर कैरिंग. आई फील दे आर वेरी गिल्टी एज वेल, उन्हें बहुत गिल्ट भी सता रहा है. आई एम हियरिंग कि पिछले बार भी उन्होंने कुछ किया था और उन्हें इंस्टेंट कार्मा मिला था, और उन्होंने आपसे माफ़ी भी मांगी थी, उन्होंने कहा भी होगा कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया ना, इसलिए भगवान ने मुझे सज़ा सुनाई है. बट नाउ इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल. ये इट्स नॉट हल्का के ऊपर से चोट लग के निकल गया, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्मा जो भुगत रहे इस वक्त. वट इज़ द कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन इज वो बहुत ही एक फिफ्थ डायमेंशनल से पर्स्पेक्टिव से वो आपको देंगे. लाइक अगर आपको नहीं पता था कि वहाँ पर क्या चल रहा है, दे लिसनिंग टू देयर इंट्यूशन, ठीक है. वो अपने दिल की बात पहले वो अपने आप को समझेंगे, फिर वो आपको बताएंगे. वी हैव द किंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दे आर वर्किंग ऑन देयर फाइनेंस एज वेल, क्योंकि उनके पास कुछ भी है नहीं आपको ऑफर करने के लिए. इट्स लाइक ऑलमोस्ट सड़क पे आ जाने का एक सिचुएशन आ गया है. दे लॉस्ट अ लॉट, उनकी स्टेबिलिटी हिल चुकी है, बट देन दे आर वर्किंग ऑन इट. इट्स लाइक अब तक आप उनका इंतजार कर रहे थे, वो वापस आ सकते थे पर वो आए नहीं, और अब जब वो वापस आना चाहते हैं, यू आर गिविंग अप इन दिस सिचुएशन. आई फील यू आर लाइक मुझे और वेट नहीं करना. इट्स लाइक ये पर्सन अगर वापस आते भी है, दे हैव लॉस्ट योर ट्रस्ट, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपके भरोसे को तोड़ा है. सो दिस पर्सन विल हैव टू वर्क रियली हार्ड. अगर आपका लाइफ का मोटो रहा है ना कि अगर एक बार कोई मेरे नज़रों से गिर जाए या फिर यू नो मेरा भरोसा टूट जाए, तो मैं दोबारा उस पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो ये पर्सन लिटरली आपका भरोसा जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे. वो एक फिफ्थ डायमेंशनल पर्सपेक्टिव आपको देंगे कि जो भी कार्मा प्ले आउट हुआ है, लाइक जो भी सिचुएशन प्ले आउट हुआ है, वो क्यों हुआ है. एक तो उन्हें अपने पास्ट लाइफ कार्मिक डेप्थ उन्हें पे करना था, वो एक सिचुएशन प्ले हुआ जो टावर का काम किया है. एक उनके लाइफ में ये जो गुरु थे, जो फॉल्स यहाँ पर टीचर है जो भी है, ठीक है, उसकी सच्चाई सबके सामने लाना बहुत ज़रूरी था. आपका पर्सन इस कार्मिक को सबके सामने फ्लश करेंगे, सबके सामने इसकी असलियत सामने लेकर के आएंगे, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ देयर डिवाइन पर्पस. इस ये पर्सन ने बहुत से लोगों को ठगा है, लाइक बहुत से जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है. आपका पर्सन अकेले नहीं है जिसका जिसे मिसगाइड करके उन्होंने गलत रास्ते पर चलाया है. यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका फ़ायदा इस पर्सन इस फॉल्स गुरु ने इस्तेमाल किया है. लाइक
बहुत बुरी तरीके से लोगों को फंसाया है, लाइक एकदम डार्कनेस में धकेला है लोगों को उनकी स्पिरिचुअलिटी से. उन्हें दिस पर्सन वॉज सपोज टू टेक एवरीबडी टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, पर इन्होंने सबको भगवान से दूर कर दिया सबके मन में डर घुसा करके. लाइक लिसन लिसन टू मी, जब हम किसी से डरते हैं, ठीक है, पकड़ लो आप कॉकरोच से आप डरते हो तो आप कॉकरोच से दूर ही रहोगे ना. तो अगर आपके मन में भगवान को लेकर के डर रहता है तो ऑब्वियसली आप भगवान से दूर ही रहोगे ना. जहाँ डर वास करता है वहाँ प्यार वास नहीं करता है. आप भगवान को समझोगे कैसे, उनकी बातों को सुनोगे कैसे, अगर आप उनसे डरते रहोगे उनसे भागते रहोगे. तो दिस पर्सन, इसने सबको ना भगवान के नाम पर डराया हुआ था, सबको मिसगाइड किया हुआ, सबको उनकी स्पिरिचुअलिटी से डिस्कनेक्ट करने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है. सो आपके पर्सन का एक बहुत बड़ा सोल पर्पस है कि इस पर्सन को सबके सामने इसका खुलासा किया जाए ताकि लोग अपने रियल स्पिरिचुअलिटी के साथ अलाइनमेंट में आ सके. सो देयर इट इज़ पार्ट ऑफ देयर डिवाइन पर्पस टू डू दिस, ठीक है ना. पहले उन्हें खुद समझना था फिर वो दूसरों को समझा पाते, राइट. तो इस सब के चक्कर में कहीं ना कहीं वो आपको समय नहीं दे पाए, वो क्यों आपको नहीं चुन पाए, उनके अंदर की क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या ब्लॉकेजेस थे, आई फील वो सब कुछ आपको बताएंगे. दिल गिव यू अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ यहाँ पर क्या हुआ है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता. और कहीं ना कहीं ये पर्सन को वो बहुत डेंजरस मानते भी हैं कि वो अपने आप को बचाने के लिए शायद आपको भी चोट कर सकते हैं, दूसरों को तकलीफ पहुँचा सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पहुँचा चुके हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, राइट. सो आपका पर्सन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इस पिक्चर से फ़िलहाल दूर रखेंगे. ये पूरा सिचुएशन रैप अप होने के बाद ही वो आपको इस बारे में सब कुछ बताएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था. आई एम हियरिंग दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट अरेस्टेड, तो यहाँ पर पुलिस भी इन्वॉल्व होने वाली है. सो यहाँ पर आपका पर्सन द डिवाइन मैस्कुलिन एक्चुअली अपनी डिविनिटी में यहाँ पर जस्टिस कॉल करेंगे ताकि लोगों का भ्रम टूट सके. लोग एक्चुअली बहुत हद तक जानते हैं, इट्स लाइक किसी की हिम्मत नहीं होती इस पर्सन के खिलाफ कुछ बोलने की या इन्हें सवाल करने की, पर आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो बोलेंगे, उन्हें सवाल करेंगे, क्योंकि आपका पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन, ही इज़ द चोजन वन, ये उसका काम है, वो ये करे, वो यही करने के लिए आया है. दिस इज गोइंग टू बी द बिगनिंग ऑफ हिज सोल पर्पस. इसी से वो रियलाइज करेंगे कि उन्हें किस पथ पे चलना है. एंड आई एम हियरिंग कि वो कुछ भी करते घुमा फिरा करके यू आर द लाइट, वो आपके पास ही पहुँच जाते हैं. कोई भी रास्ता वो लेते घुमा फिरा करके वो उन्हें आपके पास ही आना है, ठीक है ना. सारे रास्ते आप तक ही लौट के आता है, बिकॉज यू आर द लाइट, यू आर द स्ट्रेंथ, राइट. यहाँ पर देखो स्पिरिट इस रिलेशनशिप को गाइड कर रहे हैं, इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं. दिस इज द हायर पावर प्रोटेक्टिंग यू गाइस. आई एम हियरिंग इस पर्सन ने आपके आपके खिलाफ बहुत कुछ बोला होगा कि आप विचक्राफ्ट करते हो, अगर आप टैरो कार्ड रीडर हो या समथिंग. इस पर्सन ये जो भी कार्मिक एनर्जी है द फॉल्स टीचर, इसने आपके खिलाफ बहुत बकवास किया होगा आपके पर्सन को डराने के लिए कि तुम्हारी ये जो बंदी है, ये जो डिवाइन फेमिनिन है, वो तो ये सब काम करती है, ठीक है, ये हमारे फैमिली में नहीं चलता है या हमारे सोसाइटी में नहीं चलता है. लाइक लिटरली आपको डिग्रेड किया है और आपके खिलाफ लाइक आई एम हियरिंग कैंपेन चलाया है ताकि लोग आपके खिलाफ जा सके. एंड ये फिर से ऐसा कुछ ट्राई करेंगे जब आपका पर्सन इस कार्मिक एनर्जी को यू नो फेस टू फेस होंगे ना. ये चाहेंगे कि उनके जितने भी चेले चपेरे हैं वो आपको अटैक करे, पर ये अटैक होगा नहीं क्योंकि बाय दैट टाइम आपका पर्सन ऑलरेडी इस कार्मिक एनर्जी का खुलासा कर चुके होंगे. इट्स लाइक इनके जो चेले चपेटे हैं ना, इनके जो फ्लाइंग मंकीज हैं ऑल दैट स्टफ, इन्हें भी पता है कि ये इंसान की सच्चाई क्या है, बट इट्स जस्ट दैट कि उनमें हिम्मत नहीं होती है उन्हें कुछ कहने की. बट आपका पर्सन उनके खिलाफ स्टैंड लेंगे,
ठीक है ना, और आपको इस सिचुएशन से आपका पर्सन दूर रखेंगे, और इसलिए ये सारी बातें वो मेरे ज़रिए आपसे पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त डायरेक्टली आपको कुछ नहीं बता सकते। आपका दूर रहना ही अच्छा है। सी कॉन्फ्लिक्ट्स कॉन्फ्लिक्ट्स कॉन्फ्लिक्ट्स, देयर बी फाइट्स, देयर बी ह्यूज फाइट्स ओवर हियर, बट देन योर पर्सन विल कम इन टू हिज पावर एज वेल। वो किंग वो जब आएंगे, अगर आपने उन्हें एक पेज के रूप में देखा था लास्ट आखिरी बार, इमेच्योर लॉस्ट, अपने आप को समझने की कोशिश करते हुए आपने उन्हें देखा होगा, अब जब वो आपके पास आएंगे तो वो एक किंग के पोजीशन में आएंगे, ठीक है ना। वी हैव द किंग, वी हैव क्वीन ऑल ऑन बोर्ड, वी हैव टू किंग्स, वी हैव टू किंग्स, वी हैव वन क्वीन। तो या वो लेवल अप करके आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। उनका आई एम हियरिंग उनकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी होगी, उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका होगा, वो और मैच्योरली बात कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। आपका पर्सन अगर पास में बहुत रिलीजियस थे, वो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच में अगर उन्हें फर्क समझ में नहीं आता था, वो ये पूरा फर्क समझ के ही आएंगे, डोंट वरी। स्पिरिट उन्हें तैयार करके आपके पास लेकर के आएंगे। इट्स लाइक आप लिसन, व्हाट आई फील फ्रॉम योर एनर्जी इज आपको एक जेन्युइन अपॉलोजी चाहिए था और एक जेन्युइन ऑफर चाहिए था, कमिटमेंट चाहिए था, ताकि वो अपना 100% आपको दे सके, राइट? आप साथ मिलके बिल्ड कर सको, एक प्रॉमिस जो कभी तोड़ा ना जाए, राइट? वो अपने अपना 100% दे, जैसे आप हमेशा देते आए हो, आप यही चाहते थे, ठीक है ना। इट्स नॉट दैट कि आपने उन्हें माफ़ नहीं किया, आपने प्रॉब्ली उन्हें माफ़ कर भी दिया होगा, ठीक है ना, पर ये बात उन्हें नहीं पता है कि आप ऑलरेडी माफ़ कर चुके हो। बट इट्स मोर लाइक आपने माफ़ किया है बस अपने लिए, इसलिए नहीं कि उन्होंने माफ़ी मांगी है या उन्होंने लेवल अप किया है, बट आप दिल से यही चाहते थे कि वो जेन्युइनली आपके तरफ आए। उनका जो एक डिवाइन मास्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन होने का उनका जो रोल है, उनकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसे पूरा करे, राइट? इस ये कोई साधारण कनेक्शन तो है नहीं, इट्स अ कनेक्शन, इट्स नॉट अ रिलेशनशिप जो आज बना कल टूट गया, इट्स अ कनेक्शन, राइट? तो आप चाहते थे वो इस कनेक्शन को ऑनर करे, आपको ऑनर करे, अपने आप को ऑनर करे, राइट? आप वो एक आप हियरिंग कि आपका पर्सन यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रैटेजी भी कर रहे हैं कि वो आपके तरफ आएंगे कैसे, लाइक क्या बोलने से सही होगा। दे थिंकिंग अलॉट, इसलिए कहीं ना कहीं उनका जो नींद है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, दे वेरी टेंस। पहले शायद उन्होंने अपने आप को काम में झोंक लिया होगा, बट अब वो अपने आप को काम से भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो आपको अप्रोच करे तो कैसे करे, बिकॉज वो उन्हें पता है कि उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है, ठीक है ना। सो बट देन आप उस अलाइनमेंट को ढूंढ रहे हो, वो जेन्युइन अलाइनमेंट को ढूंढ रहे हो, एंड दे नीड टू फिगर दिस थिंग आउट ऑन देयर ओन। Have to win you over here. पास में आपका पर्सन कुछ वक्त के लिए ये सारे क्लैरिटी पाने के लिए वो हर्मिट मोड में थे, अभी हर्मिट मोड से बाहर आ चुके हैं, ठीक है ना, और इसलिए ये सारे मैसेजेस आपको दे रहे हैं। आपके पर्सन में जो क्लियर वाली एनर्जी थी, ठीक है, वो समझ रहे, लाइक दे लिटरली डूइंग देयर इनर वर्क राइट नाउ। देखो उनकी मन की शांति भंग हो गई थी, राइट? वो समझ रहे कि वो कितने टॉक्सिक लोगों से घिरे हुए थे, राइट? ये चोर चपट्टा वाला जो एक यू नो एनर्जी थी लोगों को लूटने की, हाँ, स्टूपिडिटी करने की, ये सारी चीज़ें वो लेट गो कर रहे हैं, बिकॉज द कार्ड इज़ रिवर्स्ड। वो रियलाइज़ कर रहे कि उनका ये कुछ ना बोलना या बीच में लटका देना, कमिटमेंट को एक्सेप्ट ना करना, आपको कमिटमेंट ना देना, ठीक है, दिस इज़ मूवमेंट कार्ड कमिंग टूवर्ड्स यू।
आपको कमिटमेंट ना देना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, यही टॉक्सिसिटी है, राइट? सो देव एक्चुअली लर्न, ये सारी बातें वो खुद से आपको बताएंगे, मैं ऑलरेडी आपको बता रही हूँ। आपने अगर अपने पर्सन को बहुत कंजूस देखा है तो वो इस वक्त बहुत जेनरस फील कर रहे हैं, दे वॉन्ट टू बी जेनरस टूवर्ड्स यू, दे आर टेकिंग द लीप ऑफ फेथ, देखो, या दे आर पुटिंग इन जस्टिस, दे विल गिव जस्टिस टू यू, उन्होंने इट्स लाइक वो जो जस्टिस नहीं दे पाए ना आपको इस कनेक्शन को, जो जस्टिस नहीं कर पाए ना, वो खुद आपको वो जस्टिस देंगे, वो जो कमी कनेक्शन में थी ना उनके तरफ से, इट्स लाइक आप तो अपना काम कर ही रहे थे, ठीक है, एंड दे टुक इट एंड दे लेफ्ट, ठीक है ना, आपसे लेकर के वो भाग गए, बट उनके तरफ से जो कमी रह गई थी, उनका करना जो बाकी रह गया था, दिल कम एंड डू इट, दिल ब्रिंग इन जस्टिस इन टू द सिचुएशन, या पहले वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे डिसीजन लेना था, अब ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं। लेट्स जस्ट गेट अ क्लोजिंग मैसेज। सी वी हैव द लवर्स अगेन, रेपिटेशन ऑफ कार्ड, वी हैव फ्रेंडशिप, द यिन यांग कार्ड, we have adventure, yes, this is another one, ये फूल का ही है, you know, बेफिक्र होकर के just take that walk, lone wolf वाला walk, अपने spirituality की तरफ, अपने inner wisdom की तरफ, we have stress reverse, yeah, जब मैं I said ना कि वो अपने उनका स्ट्रेस थोड़ा कम हो रहा है, दे कमिंग आउट ऑफ द स्ट्रेस, जैसे जैसे उन्हें क्लैरिटी मिल रही है ना, उनके अंदर की जो ये जंग छिड़ी हुई थी, क्या करना क्या नहीं करना है, द गिल्ट, द फैक्ट कि उन्होंने किस, इट्स लाइक जब हम किसी को चोट पहुंचा देते हैं ना, वैसे भी बुरा लगता है, एक गिल्ट प्ले करता है, और अपने अदर हाफ के साथ ऐसा पागलपन थी, दैट विल प्ले वेरी हैवी ऑन द हार्ट, राइट? यू नो आई शुड से दिस आप लोगों को कि कभी किसी के साथ ना बुरा बर्ताव मत करना, ट्राई कि जितना हो सके टू द पॉइंट बात करके, अपने विनम्रता के साथ बात करके निकल जाओ, बिकॉज आपको नहीं पता कई बार अर्थ एंजल्स आर ऑल ओवर, राइट, पर जो अंधेरे में खोए रहते हैं ना, उन्हें समझ में नहीं आता कि कई बार उनके प्रेजेंस में कोई अर्थ एंजल होता है जो एक्चुअली इस जस्टिस को, कार्मा को इम्बॉडी करता है, ठीक है, वो सबके साथ खिलवाड़ करता है। ऐसे में जब वो किसी डिवाइन एंटिटी के साथ, किसी अर्थ एंजल, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन के साथ टकराते हैं, उनका पापों का घड़ा भर जाता है एंड एवरीथिंग कोलैप्सेस, राइट? एक रीडिंग में मैंने कुछ महीने पहले एक रीडिंग मैंने किया था सेइंग कि एक कार्मिक है जो कंटिन्यूसली सबके साथ कमीनापंती करते हैं, बट देन वो आपके साथ डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के साथ, स्पेशली एक डिवाइन फेमिनिन के साथ पंगा लेने के बाद, गलत करने के बाद उसका पूरा कार्मा चक्रा जो है वो उलट जाएगा, राइट? दिस इज काइंड दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि इस पर्सन ने सबके साथ सबका पद भ्रष्ट किया है, बट आपके पर्सन में क्योंकि उसमें डिविनिटी है, ये सही समय पर अपने आप को संभाल लेगा, और वो बाकी सबको जितने भी लोगों का पद भ्रष्ट किया गया ना, सब जो खो गए हैं, उन सबको जितना हो सके वो सबको लाइट में लाने में वो सफल हो पाएंगे। लाइक उनके जितने भी साथी थे, जितने भी लोगों को इस कार्मिक एनर्जी ने भटकाया हुआ था ना, वो सबको सच दिखा करके उनकी स्पिरिचुअलिटी डिवाइन की तरफ वो लेकर के आ पाएंगे। वी हैव चेंज रिवर्स, वी हैव ट्रैवलिंग रिवर्स, तो दिस इज स्टैग्नेंट एनर्जी। ये आदमी बहुत जल्दी, दिस लुक एट दिस, ये आदमी बैठे बैठे सिर्फ खाता रहता है, सबसे एनर्जी खाता रहता है, मतलब टॉक्सिक एज फक, ठीक है? तो ये अगर भागने की कोशिश करेगा ना, नहीं भाग पाएगा, आई एम हियरिंग टिकट कटवाएगा पर जा नहीं पाएगा, पकड़ा जाएगा, ही विल वॉन्ट दिस सिचुएशन टू चेंज, पर ये चेंज नहीं हो पाएगा, बिकॉज कार्मिक व्हील यहाँ पर टर्न हो चुका है, उसकी पूरी दुनिया उथल पुथल हो चुकी है, और ये आपके पर्सन के साथ गलत करने की वजह से हुआ है, आपको हर्ट करने की वजह से हुआ है,
या लुक एट दिस, दिस इज दिस कार्मिक्स एनर्जी जो आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे थे, उसे मिसगाइड कर रहे थे, इसका मुखौटा गिर जाएगा. वी गॉट अवेयरनेस, या आपका पर्सन यहाँ पर प्रॉपर अवेकनिंग हो रहा है आपके पर्सन का, ताकि सी वी हैव द करेज. अगर आपका पर्सन को आपने उन्हें डरपोक बुलाया होगा, कावर्ड बुलाया होगा, तो आपका पर्सन एक्चुअली करेज बिल्डअप कर रहे हैं, उन्हें उनका स्ट्रेंथ वापस मिल रहा है. ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे. टेक केयर. सुबह सोने जा रही हूँ, मेरी नींद से आग बंद हो जा रही है. एंड दिस मैस्कुलिन वाज लाइक नहीं नहीं प्लीज़ अभी अभी प्लीज़ अभी बता दो प्लीज़. लाइक ओके फाइन, इतना क्या नच कर रही हो, सुबह तक वेट नहीं कर सकते थे. ओके गाइज, मैं इसे सुबह ही पोस्ट करूँगी, ठीक है, ताकि आप लोग रनिंग में से देख सको. टेक केयर, बाय, गुड नाइट.